संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन नई संसद भवन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक ने सभी को हिलाकर रख दिया और संसद की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होने लगे। सदन की कार्रवाई के दौरान विजिटर्स गैलरी से दो युवक कूदते हैं और सांसदों की बेंच तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद संसद में हंगामा मच जाता है और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। युवकों ने जूते में स्प्रे छिपा कर रखा था, उसे निकाल कर उन्होंने स्प्रे किया जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। इस घटना के वक्त संसद में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना को अंजाम देने वालों में से एक सागर नाम का युवक लखनऊ का रहने वाला है, जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। बता दें कि सागर शर्मा को लेकर एजेंसी जांच में जुटी है। इसमें पता चला है कि सागर शर्मा बैंक से लोन लेकर फंड जुटाना चाहता था। इसके लिए उसने बैंक में बात भी की थी। उसने अपने पिता से कहा था कि उसको रुपयों की बेहद जरूरत है, अभी तत्काल जरूरत है, बाद में रुपयों का इंतजाम हो जाएगा जिसको वह लोन चुका देगा। जानकारी के मुताबिक एटीएस और इंटेलिजेंस टीम आरोपी सागर शर्मा को लेकर लगातार जांच कर रही है। टीम ने आरोपी सागर शर्मा को बैटरी रिक्शा देने के मामले में दो लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सागर ने बैंकों से संपर्क किया था, उसने फंड जुटाने के लिए कोशिश की थी। बैंक से संपर्क कर लोन कराने को लेकर उसने कहा था कि वह ई रिक्शा पर लेना चाहता है। जांच टीम ने दो लोगों से करीब एक घंटे तक पूछताछ की है, जिसके बाद तमाम जानकारियां सामने आई है। आपको बता दें कि सागर शर्मा के संपर्क में जितने लोग हैं, लगातार जांच एजेंसियां उन लोगों से पूछताछ कर रही है और खासकर सागर शर्मा जिस घर में रहता था उस घर के आसपास से भी जांच एजेंसियां सागर शर्मा के बारे में लगातार जानकारियां इकट्ठा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सागर शर्मा का परिवार जिस मकान में किराए पर रहता था, मकान मालिक ने बिजली पानी कनेक्शन काट दिया है।